नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, लगभग 500 साल पहले संत अच्युतानंद दास ने अपनी योग शक्ति से भविष्य मालिका नाम की एक किताब लिखी थी। यह किताब इन दिनों काफी सुर्खियों में बनी हुई है। संत अच्युतानंद दास ने 3018 किताबें भविष्य पर लिखी हुई हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं क्या है इस पुस्तक में और क्यों ये इतनी सुर्खियों में बनी हुई है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। भविष्य मालिका को अच्युतानंद मालिका के नाम से भी जाना जाता है। भविष्य मालिका के मुताबिक धरती 3 चरणों से गुजर रही है। पहले कलयुग का अंत होगा, दूसरा महाविनाश होगा और तीसरा नया युग आएगा। भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग के अंत में पूरी दुनिया में सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह मिलने लगेंगे। बाढ़ और प्राकृतिक आपदा के कारण कई पुराने गांव और शहर दोबारा नजर आएंगे। दोस्तों, भविष्य मालिका के मुताबिक बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्र, अमरनाथ गुफा और गंगोत्री से भगवान चले जाएंगे। इन तीर्थ स्थलों से भगवान के लुप्त होने की भविष्यवाणी को एक महाविनाश के रूप में बताया गया है। भगवान के लुप्त होने से कलयुग का अंत हो जाएगा। अधर्म के बढ़ने और प्राकृतिक बदलाव की वजह से कई देव स्थान लुप्त हो जाएंगे, जिसकी मुख्य वजह धरती का तापमान बढ़ने, प्राकृतिक बदलाव और अधर्म का राज होगा। इस समय महाविनाश और युद्ध शुरू होगा। भविष्य मालिका के मुताबिक चौथा महायुद्ध धर्म और अधर्म के बीच होगा। यह धर्म युद्ध महाविनाश लेकर आएगा। महाविनाश से पहले भगवान शिव के द्वारा किए गए बदलाव धरती पर देखे जाएंगे। वहीं कलयुग के अंत में जिन लोगों ने महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था, वे सभी लोग इस महायुद्ध में भाग लेंगे। दोस्तों, कहा जा रहा है महाभारत के युद्ध को कई बड़े योद्धा नहीं लड़ पाए थे, जिनकी इच्छा कलयुग के अंत में पूरी होगी। भगवान बलराम भी महाभारत युद्ध में हिस्सा नहीं ले पाए थे। भगवान बलराम को ही जगन्नाथपुरी में बलभद्र के नाम से जाना जाता है। भगवान बलराम कलयुग के अंत में प्रकट होंगे और कलयुग के अंत में युद्ध लड़ेंगे। दोस्तों, भविष्य मालिका के अनुसार सन 2022 में कलयुग का अंत हो गया है और अब महाविनाश का काल शुरू होगा। माना जा रहा है कि शनि के कुंभ राशि में आते ही तीसरे विश्व युद्ध की नींव पड़ जाएगी। भविष्य मालिका के अनुसार जब शनि कुंभ राशि में आएंगे तो महाविनाश शुरू होगा। तो दोस्तों, भविष्य मालिका की ये अद्भुत जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।